अमृतपाल सिंह अरेस्टेड। ये सुनने में अजीब और शॉकिंग दोनों ही है। अब मैं आपको दोनों बताऊंगा कि अजीब भी क्यों है और शॉकिंग भी है। अजीब इसलिए है कि इतने दिनों तक भागने के बाद भी ये अरेस्ट नहीं सरेंडर हुए हैं। मुझे नहीं पता कि ये क्यों इतने दिनों से भाग रहे थे और एट द एंड सरेंडर ही क्यों किया खुद को। लेकिन शॉकिंग इस बात से है कि इतना टाइम लगा है इसे पकड़ने में, इतना टाइम लगा इसे ढूंढने में, उसके बाद ये अरेस्ट पंजाब के अंदर हुए। जी हाँ, ये पंजाब के अंदर ही अरेस्ट हुए हैं। जहाँ हम बात कर रहे थे कि अमृतपाल सिंह ने देश छोड़ दिया है, वो नेपाल जा चुका है, नेपाल जाके वहाँ से वो किसी और देश के लिए फ्लाइट ले लिया है। हमने नेपाल पुलिस को अलर्ट पे भी रखा था, लेकिन एट द एंड वो पंजाब के मोंगा डिस्ट्रिक्ट में ही अरेस्ट हुआ है। एक महीने से भी ज्यादा टाइम हो गया था जब वो यहाँ से भागा था। इस बीच में इसके कई करीबी भी अरेस्ट हो चुके थे, इसके संगठन से भी जुड़े लोग कई सारे अरेस्ट हो चुके थे। और अब अमृतपाल सिंह जबकि अरेस्ट हो चुके हैं, तो आपको बता दूं कि इन्हें आसाम की जेल में शिफ्ट करा जाएगा। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि पंजाब या दिल्ली क्यों नहीं, सिर्फ आसाम क्यों, तो आपको बता दूं कि आसाम के अंदर एक डिब्रूगढ़ में जेल है जो कि काफ़ी सिक्योर्ड जेल माना जाता है, और वहां पे पहले से ही कुछ खालिस्तानियों को पकड़ के रखा जा चुका है। हालांकि इसके लिए खालिस्तानियों की तरफ से धमकियां भी मिलना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इन सभी के बीच सोचने वाली बात ये भी है कि अगर अमृतपाल सिंह पंजाब के अंदर ही था, ये कहां छुपा था कि अगल बगल के लोगों को भी पता नहीं चला? क्या अगल बगल को पता चला तो वो जानबूझ कर छुपा रहे थे? कौन इसे सपोर्ट कर रहा था पंजाब के अंदर? इन सबको भी ढूंढना होगा, इन सबको भी पूछताछ करनी होगी। हो सकता है ये खालिस्तान से जुड़े हुए लोग हो। हालांकि ये एक फ्रेश न्यूज है, तो इससे जुड़े हुए बहुत सारी बातें भी किसी को पता नहीं है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे ही चीजें निकल के सामने आएंगी, बहुत सारे न्यूज आपको सुनने को मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे जैसे अपडेट आता है हम आपसे शेयर करते रहेंगे।